दोस्तों आज बात करेंगे आज पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरा मोमेंटम सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी का रहा खुलने के बाद बताया गया था सेल ऑन राइज स्ट्रैटी पे फोकस करना था जिसने निफ्टी बैंक में करा होगा वो भी प्रॉफिटेबल रहा निफ्टी फिफ्टी में करा होगा वो भी प्रॉफिटेबल रहा अब पहले बात करेंगे कल के मोमेंटम की देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द लेवल चूंकि कल के बाद मार्केट क्लोज होगा दूसरी बात ये भी आपको समझनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री में आज आपको दबाव देखने को मिला आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी प्रेशर में है पूरी तरीके से डेढ़ से दो परसेंट तक का फॉल आपको देखने को मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता है जैसे, जैसे जैसे रिजल्ट पास आएंगे जैसे जैसे क्रूड पर प्रेशर देखने को मिलेगा वैसे वैसे रिलायंस इंडस्ट्री में भी देखेगा जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा प्रेशराइज हो सकता है लेकिन निफ्टी पे इसका असर तुरंत देखने को मिला आज आपने देखा कि क्लोजिंग आपकी निगेटिव हुई है जबकि बहुत अच्छा गैप मिला था उसके बाद देखिएगा पूरी तरीके से वो गैप कहीं पे भी सस्टेन नहीं हुआ और देन आफ्टर दैट जो क्लोजिंग हुई ड्यू टू रिलायंस इंडस्ट्री जबकि इतना ज्यादा पेन बैंकों की तरफ से नहीं आया तब भी अगर आप देखेंगे तो निगेटिव क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा निफ्टी 50. तो कल भी आपको इसी का प्रेशर देखने को मिल सकता है क्योंकि कल डाओ फ्यूचर्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे मॉर्निंग में कल डाओ फ्यूचर्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि फेड का आउटकम आना है यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आना है और आपको पता है कि जैसे ही देखेगा फेड या देखेगा इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला होता है उससे पहले ही अमेरिका के बाजार नर्वस हो जाते हैं तो ये चीज बहुत बड़ी है कल भी सेल ऑनलाइज स्ट्रेटेजी पे ही वर्क करना है ये चीज आपको पूरी तरीके से दिमाग में रखनी है सेकंड आगे बात करेंगे बॉन्ड मार्केट इंडिया का बॉन्ड मार्केट पूरी तरीके से एकदम स्टेबल है कॉन्फिडेंट है और ग्रीन है आप देख सकते हैं और यूएस के भी कई सारे बॉन्ड्स देखिएगा अभी भी कोई पेन शो नहीं कर रहे और कहीं से भी डेटा अगर फेवर में नहीं आता है के तो ये तुरंत देखेगा ऑफ़ करेंगे टेक ऑफ़ का मतलब मार्केट पे प्रेशर आना मार्केट को एडजस्टमेंट चाहिए ही चाहिए ये आपको पहले दिमाग में रखना है मार्केट को एडजस्ट होना ही चाहिए ये एक सिनारियो है। इसको जब विद पांच छह साल आप मार्केट में बिता लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक सिनारियो है इस समय यह नहीं है कि मार्केट को गिराने की कोशिश की जा रही है मार्केट को अकॉर्डिंग टू द कॉमोडिटी प्राइस अकॉर्डिंग टू द क्रूड प्राइस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ जियो तो उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट होने की जरूरत है जैसे डिप मिलेगा फिर से मोमेंटम शुरू हो जाएगा आगे बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसीज में आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है बिटकॉइन दो परसेंट टूटा है और देखिएगा कुछ देखिएगा क्रिप्टो करेंसीज चार परसेंट तक भी यहां पे टूटी हैं तो अगर क्रिप्टो का जो ये मोमेंटम है डाउन ट्रेंड वाला वो थोड़ा सा भी कॉन्टिन्यू देखने को मिलता है थोड़ा सा भी कॉन्टिन्यू होता है तो आपको पता है सारे एसेट एक साथ चल रहे हैं तो सारे एसेट में प्रॉफिट बुकिंग भी कहीं ना कहीं एक साथ ही देखने को मिल सकती है और जिस तरीके से मेटल हीट हो रहा है गोल्ड हीट हो रहा है सिल्वर हीट हो रहा है सिल्वर तो देखिएगा रुकने का नाम नहीं ले रहा गोल्ड सिल्वर के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये हालत है मेटल की इतना ज्यादा देखेगा अगर मेटल महंगा होगा तो इसका रियल इस्टेट पर असर पड़ेगा और रियल इस्टेट का मतलब वो पर्टिकुलर इन्फ्लेशन फील होगा फिर तो इसके बाद ब्रेंट ऑयल 91 के आसपास बना हुआ है लगातार तीसरा दिन है और आपको पता है कि जितने दिन देखेगा बीत रहे हैं उतना ज्यादा फिस्कल डेफिश उतना ज्यादा घाटा इंडिया को देखने को मिलेगा और इसके बाद अगर आप डाओ फ्यूचर्स देखेंगे तो अभी भी ये उतने ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है चाहे वो टेक फ्यूचर की बात करें चाहे डाओ फ्यूचर की बात करें कल मॉर्निंग से ये नर्वस भी हो सकते हैं तो दीज आर सम रीजन कि आपको कल भी सेलोनवाइ स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है अब बात करते हैं लेवल की तो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के लिए कल देखिएगा आज का अड़तालीस आठ सौ अस्सी पर या फिर अड़तालीस नौ पे मार्केट आपको मिलता है तो यहां से डाउन ट्रेंड आएगा आए यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी खुलने के बाद अगर ये लेवल अचीव होते हैं तो इसके बाद आपको नीचे की तरफ से आई स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है और कहीं पे भी देखेगा अड़तालीस पांच का लेवल टूटता है तो फिर अड़तालीस चार तक के लेवल कल आपको देखने को मिल सकते हैं तो ये निफ्टी बैंक के लिए सिनारियो रहेगा अब बात करते हैं निफ्टी 50 की तो निफ्टी फिफ्टी देखिएगा रिलायंस पे डिपेंड करेगा आज भी देखिएगा ऊपर के लेवल से काफी अच्छी यहां पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला है तो इसमें भी पांच का लेवल जब टूटेगा तब आपको तुरंत देखने को मिलेगा बाईस चार सौ अस्सी का लेवल ये दोनों ही लेवल आपको याद रखने हैं जब तक बाईस चार सौ अस्सी के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी तब तक कोई बड़ा पेन निफ्टी को नहीं हरा सकता ऊपर की तरफ अब जो रेजिस्टेंस है वो 770 का है बाईस सात का है ये ब्रेकआउट आते ही फिर निफ्टी रुकने का नाम नहीं लेगा तो फोकस करिएगा राम राम